हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पेंगोंग सेक्टर में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर चीन ने भारत के सामने रखी है एक नई कंडीशन। मानसरोवर लेक के करीब चीन बना रहा है एक नया मिसाइल बेस। साइबर जासूसी के मामले में चीन है दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव नेशन। भारत के लिए पाकिस्तान ने तैयार किया है एक नया न्यूक्लियर वेपन और एक वर्चुअल डॉग फाइट में मशीन ने हराया F-16 के फाइटर पायलट को। भारत और चीन के बीच वर्किंग मैकेनिज्म मीटिंग के बाद अब कुछ ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं, जिससे ये मालूम पड़ा है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी विवादित पेंगोंग सेक्टर से वापस उस पोजीशन पर जाने के लिए तैयार हो गई है जहां पे वे मई महीने की शुरुआत में घुसपैठ करने से पहले थे। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि चीन की तरफ से जो ये सहमति बनी है वो असल में एक कंडीशन के साथ भी आती है। अब वो कंडीशन क्या है, इसके बारे में तो फिलहाल स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ अनकन्फर्म सोर्सेज का कहना है कि चीन ने ये कंडीशन रखी है कि इंडियन ट्रूप्स को भी उस जगह से पीछे जाना पड़ेगा। अब बाकी देखना यह है कि अगर चाइनीज ट्रूप्स अपनी कही बात के अनुसार वापस उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जहां पे वे मई महीने में घुसपैठ करने से पहले थे, तो उसके बाद इंडियन आर्मी चीन की उस कंडीशन के लिए सहमत होती है या नहीं। बाकी गलवान और हॉट स्प्रिंग के जो हालात हैं वो सकारात्मक हैं और इस जगह से चाइनीज ट्रूप्स पीछे हुए हैं, लेकिन अभी भी गोंगराज और खोनकाला की सिचुएशन को लेकर दोनों देशों के बीच अभी भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। बाकी इसके अलावा सैटेलाइट इमेजरी एनालिस्ट जीट्रस्पा की तरफ से कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई हैं, जिनमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि लिपू लेक के पास चाइनीज मिलिट्री इंडिया नेपाल चाइना ट्रांजिशन एरिया में मानसरोवर लेक के किनारे सरफेस टू एयर मिसाइल साइट और ऐसे ही अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। और ये तो आप जानते होंगे कि मानसरोवर लेक हिंदुइज्म का एक होली प्लेस है, और ऐसी भी रिपोर्ट है कि चाइनीज मिलिट्री ने अपनी एक बटालियन को लिपू लेक पास के करीब मोबिलाइज किया है। और जबकि सैटेलाइट इमेजेस एनालिस्ट जीट्रस्पा का ये मानना है कि जो ये मानसरोवर लेक के पास चाइनीज मिलिट्री सरफेस टू एयर मिसाइल साइट को बना रही है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि चाइना इस रीजन में हर संभावित हवाई खतरे के गैप को कम करने की कोशिश में है, ताकि अगर भविष्य में भारत के साथ उसका कोई युद्ध होता है तो भारत के पास उस पर हवाई हमले करने के लिए कम जगह बचे। और इसके अलावा कुछ ऐसी अन्य जगहें जहां पे चाइनीज मिलिट्री सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स को बना रही है या अपग्रेड कर रही है, उनमें शामिल है पेंगोंग शू के पास रोटोंग कंट्री, नगरी गुनसा एयरपोर्ट, शिगेज एयरपोर्ट, लासा गोंगार एयरपोर्ट और नाइचिंगी एयरपोर्ट, और ये सारी जगहें तिब्बत पे मौजूद हैं। और वैसे भी डिफेंस सोर्सेज का ये मानना है कि इस तरह की जो सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल वाइटल एरियाज यानी कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बाकी चीन ने इनको किस खास पर्पस के लिए स्थापित किया है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। और जिस तरीके से लिपू लेक के करीब चीन अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, इससे तो ऐसा ही लगता है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब नेपाल भी चीन के लिए एक नया पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि ये तो जानते हैं कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान पे अपना हस्तक्षेप करता है और उसके क्षेत्र में चाइनीज ट्रूप्स मौजूद रहते हैं। भारत के दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के ऑर्बिट पर अपना एक साल पूरा कर लिया है, और इसका एक साल पूरा होने पर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जारी की गई हैं, जिसमें इसरो का कहना है कि भले ही चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर अपने सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा था, लेकिन जो इसका ऑर्बिटर है इसने चंद्रमा के चारों ओर करीब 4400 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं और इसके सभी 8 के 8 ऑनबोर्ड सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में हाईटेक कैमरास लगे हैं ताकि वो चांद के बाहरी वातावरण और उसके सतह के बारे में जानकारी जुटा सकें। और इसरो का कहना है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में अभी भी 7 सालों के लिए पर्याप्त मात्रा में फ्यूल बचा हुआ है, यानी कि अभी भी लगातार 7 सालों तक चंद्रमा से जुड़ी सारी जानकारियां देते रहेगा। और बाकी इसके अलावा इसरो ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत इसरो जल्द ही कुछ स्टार्टअप कंपनीज को उनकी फैसिलिटीज में लॉन्च व्हीकल सिस्टम्स को टेस्ट करने की मंजूरी देगा, और साथ ही साथ इनमें से कुछ को इस बात की भी परमिशन दी जाएगी कि वे श्रीहरिकोटा में अपने खुद के लॉन्च पैड्स को भी स्थापित कर सकेंगे। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन का ये कहना है कि इसरो की करीब 2 से 3 स्टार्टअप्स के साथ एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है ताकि वे इसरो की फैसिलिटीज में उनके लॉन्च सिस्टम्स जैसे कि उनके इंजन और नेविगेशन सिस्टम्स को भी टेस्ट कर सकें, और हम उन स्टार्टअप्स को महेंद्र गिरी सेंटर जैसे उनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज में उनके सिस्टम्स को टेस्ट करने की मंजूरी देंगे। बाकी जहां तक बात है श्रीहरिकोटा में खुद के लॉन्च पैड्स को स्थापित करने वाली, तो इसे भी मंजूरी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसे अभी समय है क्योंकि एक लॉन्चर को डेवलप करने में टाइम लगता है। और उनका ये भी कहना था कि जो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के इंपोर्ट को बैन करने का जो फैसला लिया है, ये भारत की कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर पैदा करेगा, और इसरो के चीफ भारत सरकार के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हैं। अगले महीने अम्बाला एयरबेस में
इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल करने के लिए राफेल फाइटर्स की फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की भी मौजूद रहने की उम्मीद है। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल फाइटर्स की फॉर्मल सेरेमनी की तैयारी शुरू कर दी गई है और खास करके यहाँ पे सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा द वीक की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यतीश यादव की एक नई बुक का हवाला देते हुए कहा है कि इंडियन स्पाइस ने चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों के खिलाफ टॉप डिसीजन मेकर्स को फोन किया है। असल में जो ये बुक है इसमें मुख्य रूप से दोकलम स्टैंड ऑफ को लेकर बात की गई है जिसमें बताया गया है कि इस तरह की वार्निंग 73 दिनों के एक लंबे दोकलम स्टैंड ऑफ के बाद जारी की गई थी। और इस बुक ने इस बात का भी खुलासा किया है कि चाइनीज मिलिट्री भारत में जासूसी करने के लिए एकेडमिक्स, स्कॉलर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और यहाँ तक कि जर्नलिस्ट का भी इस्तेमाल करती है और इन सब की मदद से चाइना भारत में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को चलाता है। और इस बुक में यतीश यादव की तरफ से ये डिस्क्राइब किया गया है कि आप इस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकते हैं कि चीन पूरी दुनिया में सबसे एक्टिव नेशन है साइबर जासूसी के मामले में और इसके लिए चीन के पास कई सारी कैपेबिलिटीज मौजूद है। और जो ये बुक है इसका नाम है रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस और इसे पब्लिश किया है वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने। ये बुक amazon.in पर उपलब्ध है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे वहां जाकर बाय कर सकते हैं। बाकी इस बुक का लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अपना सब कुछ चीन के हवाले करने वाला देश पाकिस्तान अब अपने मिलिट्री और सिविलियन पर्पस के लिए चाइना के होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम बीडू का इस्तेमाल करेगा और चाइना के नेविगेशन सिस्टम के साथ अब पाकिस्तान अमेरिका के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS पर से अपनी निर्भरता को कम करेगा और चाइना के नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करना पाकिस्तान और चाइना के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन का ही हिस्सा है। और जबकि सोर्सेज का तो ये कहना है कि ऐसा करने के लिए चीन की तरफ से ही पाकिस्तान को कहा गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान US बेस्ड GPS सिस्टम पर से निर्भरता को कम करे और उनके द्वारा विकसित किए गए उनके ही नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करे और इसके तहत चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस पाकिस्तान में वीडियो इनेबल्ड कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रडार स्टेशन नेटवर्क को स्थापित करेगी। और चीन का दावा है कि उनका नेविगेशन सिस्टम मैपिंग, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन और साइंटिफिक स्टडीज के लिए पाकिस्तान को एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि अगर चाइना पाकिस्तान को उनका नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए जोर दे रहा है तो ये पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं बल्कि चाइना के फायदे के लिए हो रहा है। बाकी पाकिस्तान रेलवे के फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद ने एक नया न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है और उनके इस वेपन की खास बात यह है कि जब वे इसे भारत पर लॉन्च करेंगे तो ये वेपन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को छोड़कर बाकी के अन्य कम्युनिटी को खत्म कर देगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद ने खुद कही है। उनका कहना है कि उनका ये नया वेपन बहुत ही सटीक है, बहुत ही छोटा है और परफेक्ट है। हम तो ये कहेंगे कि अमेरिका और रशिया को तो पाकिस्तान के इस मंत्र से ट्रेनिंग लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वेपन तैयार कर लिया है जो लोगों के रिलीजन तक को पहचानता है और रिलीजन के आधार पर ही वो हमला करता है। और पाकिस्तान के मंत्री इस इंटरव्यू में केवल यहीं तक नहीं रुके थे बल्कि उन्होंने ये तक कहा है कि पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल वॉर का कोई भी विकल्प नहीं है, अगर कुछ होता है तो फिर ये अंत ही होगा। और उनका इशारा था सीधे परमाणु युद्ध की तरफ। और अगर आप पाकिस्तान के मंत्री की भाषा में बोलें तो एटमी युद्ध, जो कि वे लड़ेंगे अपने एटमी हथियार से और उनके मुताबिक उनके इस हथियार की पहुंच भारत के असम तक है। खैर इनकी कॉमेडी तो चलती रहेगी लेकिन इस सब में एक बात समझ में नहीं आई है कि पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर एटमी बॉम्ब के साथ कर क्या रहे हैं और उनके पास इसकी इतनी जानकारी कहां से है और जिसके वे फेडरल मिनिस्टर हैं यानी कि पाकिस्तान रेलवेज, क्या उन्हें इसकी जानकारी है कि पाकिस्तान में टोटल कितनी ट्रेन हैं? हमें तो नहीं लगता है कि इनको इसकी जरा सी भी जानकारी होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि इस साल करीब 2 दर्जन से भी अधिक आतंकी कमांडर्स को एलिमिनेट किया गया है और इसको सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी सफलता बताते हुए उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में उनका एजेंडा केवल ये नहीं है कि आतंकियों को ढेर किया जाए बल्कि इसके साथ वे इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि यहां के जो युवा हैं वे आतंकवाद का रास्ता ना चुने और लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से उन्हें प्रॉपरली डील किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है और साथ ही साथ जो मिलिटेंट रैंक में यंगस्टर्स को रिक्रूट किया जाता था उसमें भी कमी देखने को मिली है और इस साल वे करीब 16 ऐसे लड़कों को वापस लाए हैं जो आतंकी बनने की राह में निकल गए थे। और बाकी केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से करीब 100 CAPF कंपनीज को वापस बुलाने वाले फैसले पर उनका कहना था कि जो फोर्सेस का कैलिब्रेशन है वो टाइम टू टाइम होता रहता है। और जबकि गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बताते हुए पाकिस्तान
पाकिस्तान को ये कहा है कि उन्हें भारत की पहल को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं देखना चाहिए। और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसे पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए। और लोकसभा स्पीकर ने इस बात को फिर से दोहराया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि उसकी जमीन पर करीब 40,000 आतंकी मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान का जो एग्रेशन है जो 1965, 1971 और 1999 में हुआ है, उसके बाद मुंबई आतंकी हमला, पार्लियामेंट पर हमला, उरी हमला, पुलवामा हमला, ये सब चीजें इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान आतंकियों को स्पॉन्सर करता है। और बाकी इन सब के अलावा एक खास रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर भी आई है, जिसमें अभी हाल ही में डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि डारपा ने एक वर्चुअल डॉग फाइट आयोजित की थी। और इस डॉग फाइट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम ने एक ह्यूमन फाइटर पायलट ब्रेन को बीट कर दिया है। और अगर आपको लग रहा है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन ब्रेन को केवल कुछ ही अंकों से हराया है तो आप गलत हैं। असल में जो इसका स्कोर था वो था 50, 5 था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का और 0 था ह्यूमन ब्रेन का। ये एक तरीके का कंपटीशन था जिसमें यह चेक किया जा रहा था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम ह्यूमन ब्रेन के खिलाफ कितना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। और जो परिणाम निकल के सामने आए हैं उससे तो यही लगता है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीन आउटपरफॉर्मिंग ह्यूमंस हैं, ये टेक्नोलॉजी के उभरते हुए क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ने वाले हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।